हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ध्वनि और आपका स्वागत है मेरे चैनल कुकिंग कार्निवल पर। आज हम बनाने जा रहे हैं एगलेस कोकोनट कुकीज। ये बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में बाहर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से माउथ मेल्टिंग है। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आती है तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए हम ये कुकीज को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक मिक्सिंग बोल में बटर ले लेते हैं। याद रखिए, बटर जो है वो रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, यानी कि सॉफ्ट होना चाहिए। यहाँ पे आज मैंने सॉल्टेड बटर लिया है, अगर आप चाहें तो अनसॉल्टेड बटर भी ले सकते हैं। अब हम बटर को अच्छे से क्रीम कर लेंगे। हमारा बटर अब अच्छे से क्रीम हो चुका है। अब हम इसमें पाउडर शुगर ऐड कर लेंगे। इसको फिर से अच्छे से मिक्स करके और क्रीम कर लेना है करीब एक मिनट तक। अब हम इसमें फ्लेवरिंग के लिए वनीला एक्सट्रैक्ट और मॉइस्चर के लिए थोड़ा सा मिल्क डाल देंगे। अब इसको अच्छे से मिला लेना है। अब मैं इसमें ऑल पर्पस फ्लावर यानी कि मैदा धीरे धीरे करके ऐड करूंगी और स्पैचुला की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अगर आपने अनसॉल्टेड बटर लिया हुआ है तो अभी आप थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दीजिए। अब इसमें हम ऐड करेंगे कोकोनट पाउडर। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा दरदरा कोकोनट पाउडर लिया हुआ है। इसको अच्छे से मिक्स कर ले और इसका आप डो बना लें। अभी ये डो बहुत ही सॉफ्ट है तो हम इसको रेफ्रिजरेटर में 30 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। मीनवाइल हम अपने ओवन को 350 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 180 डिग्री सेल्सियस पे प्रीहीट करने के लिए रख देते हैं। हमारे 30 मिनट्स हो चुके हैं। सबसे पहले हम अपने वर्क सरफेस को ऑल पर्पस फ्लावर यानी कि मैदा से थोड़ा डस्ट कर लेंगे। अब हम डो को रोल करेंगे। अगर डो क्रैक हो रहा है तो इसका मतलब है कुकीज बहुत ही अच्छे और माउथ मेल्टिंग बनेंगे। डो को रेक्टेंगल शेप में रोल कर लेना है। इसको शेप में लाने के लिए पैलेट नाइफ का बीच बीच में इस्तेमाल कर लेंगे और एजेस को स्ट्रेट करते जाएंगे। आज मैं इस कुकीज को स्क्वायर शेप में कट करने वाली हूँ, बट आप चाहे तो इसको आपके मनपसंद शेप में भी काट सकते हैं या तो फिर कोई भी कुकी कटर यूज कर सकते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा ट्रिम कर लेंगे। पैलेट नाइफ की मदद से डो के नीचे इस तरह से इसको एक बार घुमा लीजिए ताकि हमें कुकीज उठाने में आसानी हो। इसके ऊपर थोड़ा सा कोकोनट पाउडर स्प्रिंकल कर दीजिए और हल्के हाथ से रोलिंग पिन की मदद से इसको थोड़ा सा प्रेस कर दीजिए और अब इसको हम स्क्वायर शेप में कट कर लेंगे। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, आप अपनी मनपसंद शेप में इसको कट कर सकते हैं या तो फिर कुकी कटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम एक कुकी पैन लेंगे और उसको मैंने पहले से ही बटर से ग्रीस कर लिया है और सारे कुकीज उसमें अच्छे से अरेंज कर लेंगे। जो बचा हुआ डो है उसको फिर से हम शेप दे देंगे। और अब हम इस कुकीज को अपने प्रीहीटेड ओवन में 15 मिनट्स के लिए 350 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 180 डिग्री सेल्सियस के लिए बेक कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारी ये कुकीज बेक होके रेडी हो चुके हैं। आप इसको पूरी तरह से ठंडा होने दें और
इसको आप एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर लीजिए। आप इस कुकीज को 2 वीक तक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, है ना बनाने में ये कुकीज एकदम आसान। आप जरूर ट्राई करें और अपने फीडबैक नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। इस रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स एंड मेजरमेंट आपको मेरी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। मैंने अपनी वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन टेक केयर। बाय।